हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता और स्वागत है आपका सरिताज कुकिंग वर्ल्ड में। आज मैं लेकर आई हूं आप सब लोगों के लिए ये टेस्टी केक की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है बिना माइक्रोवेव और बिना ओवन की हेल्प से। जी हां, आज हम इस ब्लैक फॉरेस्ट केक को बनाएंगे कढ़ाई में और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी को कि इसे कैसे बनाया जाता है। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं इस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी को कि इसे कैसे बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई ली है और कढ़ाई को मैं 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे प्रीहीट कर लूँगी और उसके बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मैदा छान लूँगी। तो मैंने लिया है ये 1 कप, मेजरिंग कप के हिसाब से जो सबसे बड़ा कप होता है वो बड़े वाला लिया है मैंने मैदे का, और ये छोटे वाला कप लिया है मैंने मिल्क पाउडर का। और इन सारी चीज़ों को मैं छान लूँगी अच्छे से। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे इसमें, उनको हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी हो तो वो ऊपर रह जाए। और साथ में इसमें डाल दूंगी मैं 1 ही कप पाउडर शुगर का। पाउडर शुगर मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसे चीनी का बूरा भी कहा जाता है। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप सिंपल चीनी जो होती है, मैंने उसकी बनाई है, ये मिक्सी में पीस लीजिए, उससे ये पाउडर शुगर बन जाती है। तो 2 चम्मच डाल दूंगी मैं बड़े वाले ये कोकोआ पाउडर के, क्योंकि हमें केक को बनाना है चॉकलेट फ्लेवर में, तो हम इसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर 2 चम्मच बड़े वाले। और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। और फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से छन रहा है। और ये सारी चीज़ें छान चुकी हूँ मैं, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपस में। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास दूध का, और दूध लिया है मैंने रूम टेम्परेचर वाला। तो इसमें मैं दूध डाल लूँगी, थोड़ा दूध पहले डालूँगी बाकी बाद में डालूँगी, क्योंकि हम एकदम से पूरे के पूरे दूध को नहीं डालेंगे, वरना जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये दूध डालते जाएंगे और इसको बैटर को मिक्स करते जाएंगे। तो कंटिन्यूसली हम एक ही साइड को इसको हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा एक स्मूथ बैटर बन जाए, कोई भी गुटली और कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसे। और मैंने यहाँ पे बीच में 1 चम्मच डाला है इसमें कुकिंग ऑयल का, बड़े वाला जिससे मैंने कोकोआ पाउडर डाला था, सॉरी। तो इस बैटर को हम ऐसे हल्के हाथ से टैप कर लेंगे 3-4 बार। और कढ़ाई हमारी पहले से प्री हीट है, तो इसमें 1 कटोरी रख देंगे और ऊपर से कोई भी प्लेट या ढक्कन रख देंगे जिसके ऊपर हम ये मोल्ड को रखेंगे। ये देखिए, इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे केक को और ढक देंगे ऊपर से, और 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। तो 40 मिनट हो चुके हैं केक को पकते हुए, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, केक हमारा अच्छे से पक चुका है। मैंने इसे 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे और उसके बाद 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया था। और मैंने इसे पकाने के लिए गैस के छोटे बर्नल का यूज़ किया है। आप केक को जब भी पकाएं तो गैस के इस छोटे वाले बर्नल पे ही पकाएं, ताकि केक हमारा जले नहीं। और ये देखिए, टूथपिक की हेल्प से हम इसे चेक कर लेंगे, तो टूथपिक हमारी बिल्कुल साफ़ आ रही है। तो केक हमारा बन के रेडी है। तो मैं इसे अभी फिर से ढक दूंगी 5 मिनट के लिए कढ़ाई में ही, और 5 मिनट के बाद मैं इसमें इसको कढ़ाई में से निकाल लूंगी और इसे रख दूंगी तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो ढक देते हैं इसे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद इसे हम ओपन रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। अब ले लूँगी यहाँ पे मैं ये क्रीम, ट्रॉपीलाइट की क्रीम है ये, और इसको डाल दूंगी इसमें बाउल में। और बाउल को भी मैंने फ्रीजर में रखा था ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल चिल्ड हो जाए, क्योंकि जितनी हमारी क्रीम और हमारा बर्तन ठंडा होगा उसी हिसाब से हमारी क्रीम भी बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो इसको विस्कर की हेल्प से हम विस्क कर लेंगे और बना लेंगे इसकी ये
केक वाली क्रीम। तो इसको मैं पहले मीडियम स्पीड में चलाऊंगी और उसके बाद इसको फुल स्पीड में चलाऊंगी। तो तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम स्पीड में चलाएंगे और उसके बाद हम इसे फुल स्पीड में चलाएंगे। तो 12 मिनट चलाने के बाद ये देखिए हमारी विप क्रीम बन चुकी है अच्छे से। मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं बाउल को बिल्कुल उल्टा कर रही हूँ पर ये नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब है हमारी क्रीम अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए हमारा केक एकदम से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए इसकी जाली बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है, तो इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड और उसमें मैंने फॉइल पेपर को लपेट लिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं ये व्हिप क्रीम लगा दूँगी और रख दूँगी इसके ऊपर एक पोर्शन केक के स्पंज का, और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी इस शुगर सिरप से। इसको मैंने पानी को गर्म करके इसमें शुगर को मेल्ट कर लिया था, ऐसे हमारा शुगर सिरप बन जाता है। और अब ये ठंडा हो चुका है तो इससे हम ग्रीस कर लेंगे केक को ताकि हमारा केक एकदम से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे ऐसे। ये ज़रूरी होता है कि हम शुगर सिरप से इसको ग्रीस करें वरना हमारा केक हार्ड रह जाता है। तो लगा देंगे इसके ऊपर ये क्रीम, फैला देंगे चारों साइड। और क्रीम भी हमारी बहुत ही अच्छे से बनी है क्योंकि मैंने इसे 12 मिनट तक विस्क किया है, तो हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से बनी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए करते हैं तो क्रीम तो बन जाती है पर वो थोड़ी देर बाद फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है और केक पे अच्छे से लगती नहीं है। और ये मैंने चॉकलेट ली है, चॉकलेट को मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो इस पर ग्रीस कर देंगे ऊपर से ये चॉकलेट और फिर से रख लूँगी इस पर मैं ये केक का बेस, और इसको भी ऐसे ही शुगर सिरप से ग्रीस कर लूँगी। और इस पर भी ऐसे ही क्रीम लगा लूँगी। ये केक बहुत ही इजी है बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पे इजीली बन जाता है और जो बाहर का माहौल चल रहा है तो ऐसे माहौल में अगर हम हर एक चीज़ को घर पे ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए, और ये व्हिप्ड क्रीम मिल जाती है किसी भी बेकरी शॉप पे, तो इस पर भी मैं ऐसे ही ऊपर से ये चॉकलेट का बुरादा डाल दूँगी और इस पर भी ऊपर से फिर से मैं केक का स्पॉन्ज रख दूँगी ऐसे, और इसको भी ग्रीस कर लूँगी शुगर सिरप से। आप देख सकते हैं कि केक की हमारी चाली कितनी सुंदर दिख रही है, इसका मतलब है हमारा केक बहुत ही अच्छे से पका है। और लगा देंगे इस पर भी ये क्रीम ऊपर से। ऐसे, और इसके चारों साइड भी केक लगा देंगे, सॉरी व्हिप क्रीम लगा देंगे ऐसे फैलाते हुए चारों साइड हम ये व्हिप क्रीम को लगा लेंगे और लास्ट में इसकी हम फिनिशिंग करेंगे ऐसे, अभी रफली लगा लेंगे। तो ऐसे ही चारों साइड मैंने ये व्हिप क्रीम लगा दी है केक के और केक को कवर कर लिया है बिल्कुल चारों साइड से व्हिप क्रीम से। ये देखिए ऐसे, तो ये लग चुकी है अच्छे से व्हिप क्रीम। अब मैंने ली है ये नोज़ल और नोज़ल को मैंने पाइप इन बैग में डाल दिया है, तो मैं क्रीम को डाल लूँगी अब इस पाइप इन बैग में क्योंकि हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो हम पाइप इन बैग में नोज़ल को डाल के जैसा भी डिज़ाइन बनाना हो वैसी नोज़ल डाल के बना लेते हैं। और ये ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मिल जाती है इजीली और बना लेंगे इसमें कोई भी डिज़ाइन अपनी पसंद का। ऐसे
जो भी आपको पसंद हो वैसा डिज़ाइन बना लीजिए आप। वैसे अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं तो उस पे यही वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसको चेरी से डेकोरेट करेंगे ऊपर से, तो इसमें ये सिंपल वाला डिज़ाइन ही अच्छा लगता है। ऐसे बना लेंगे हम। ये देखिए ये बन चुके हैं। तो अब जो मैंने चॉकलेट को कद्दूकस करके रखा है उस चॉकलेट के पाउडर को डाल दूंगी मैं इसके बीच में, यहाँ थोड़ा सा ऐसे फैला दूंगी इसको सेंटर में, ताकि जो हमारा केक है वो देखने में सुंदर लगे। तो ये देखिए, और इसके ऊपर हम ये चेरी से इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे, ताकि ये केक देखने में भी सुंदर लगे, क्योंकि अगर हमें आंखों को भाएगा तभी हमें खाने में भी मज़ा आएगा। तो ऐसे में डेकोरेट कर लूँगी इसको चेरी से। और ये देखिए हमारा केक बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये लगा दी है मैंने इसके ऊपर चेरी। अब मैं केक के साइडों में भी ये चॉकलेट को जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी उसको लगा लूँगी ऐसे हाथों की हेल्प से रफली। और नीचे मैंने एक प्लेट रखी है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो नीचे प्लेट पे गिर जाएगी और वो हमारे फिर से यूज़ हो जाएगी किसी भी चीज़ में। ये देखिए ऐसे हाथों की हेल्प से ऐसे हम क्रीम पे चिपकाते जाएंगे, हल्के हाथ से करेंगे वरना जो हमने क्रीम लगाई है वो बाहर आ जाएगी। तो अब उठा लेंगे इस प्लेट पर से इस केक को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चॉकलेट गिरी है, तो हम प्लेट को साइड में रख के केक को उठा लेंगे। और ये देखिए हमारा केक एकदम से बढ़िया बन के रेडी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गिरी है इसको हम टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ कर लेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये केक। मैंने थोड़ी सी इस पे सिल्वर बॉल्स भी डाल दी थी, ताकि हमारा केक देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। और ये केक हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हमेशा खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।